हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं बहुत ही अच्छी रेसिपी जो बड़े हों या बच्चे सबको पसंद आ जाते हैं। और आज बनाएंगे डोरा केक, जो बच्चों को खासकर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो घर की चीज़ें हैं ना, बस उसी से ये बन के रेडी हो जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप सबसे प्रार्थना, हमारी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। डोरा केक, इसके लिए हमने लिया आधा कप मैदा और आधा कप गेहूं का आटा लेंगे। और आप चाहो तो सिर्फ मैदा या फिर सिर्फ गेहूं का आटा भी ले सकते हो। आधा कप पिसी हुई चीनी और आधा टीस्पून लिया है बेकिंग सोडा। सभी चीज़ों को हमने जो है छान लेना है। छानना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि जब हम बनाएं जो केक तो बहुत ही सॉफ्ट बने, कोई इसमें गठिया गांठ वगैरह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डाल रहे हैं आधा कप से थोड़ा सा कम डाला है मिल्क पाउडर। ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं डालना चाहते हो तो आप कंडेंस्ड मिल्क भी चार डाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए, हमने इसमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे हम लेंगे 1 कप जितना दूध और थोड़ा थोड़ा करके हम इसका बैटर बना के रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें पर तुरंत दूध नहीं डालना, मतलब सारा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हम डालेंगे इसमें, ठीक है। और अच्छा सा बैटर बना के रेडी करेंगे, बिल्कुल स्मूथ था। इसमें थोड़ा सा हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून जितना वनीला एसेंस डाल रहे हैं, थोड़ी सी दूध डाल दिया है साथ में। और इसे अच्छे से वापस से मिक्स करेंगे। कुछ देर हम मिक्स इस तरह करेंगे अच्छे से, बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना, लेकिन हाँ घोल अच्छे से बन जाना चाहिए। तो बैटर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है, बहुत ज़्यादा पतला मत करिएगा, और न जैसे होता है ना चीला, उस तरह से बन जाएगा। तो चीला नहीं बनाना है हमें, पैन केक बनाना है। तो इस तरह से कप या कलछुल आप सेट कर लीजिए, जिससे हम इसमें बैटर भरेंगे और इसमें डालेंगे पैन में, ठीक है। यहाँ पर पैन में हम थोड़ा सा घी लगा रहे हैं, और घी लगाने के बाद बस इसे थोड़ा सा पोंछ देंगे, ठीक है। बस इस तरह से आप कप में उठाइए थोड़ा सा, मतलब अपने हिसाब से जैसे आपको बड़ा छोटा बनाना है केक, ठीक है। और इसे कंटिन्यू इस तरह से गिराते हुए जो है डाल दीजिए पैन में। पैन थोड़ा सा पुराना है इसलिए घी लगाना पड़ा है। अगर थोड़ा सा हैवी तलिया वाला है तो बिल्कुल भी घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 मिनट हमने इसे ढक के छोड़ दिया था, और 2 मिनट बाद बस इसके पलटी कर देते हैं। तो आप देख सकते हो पलटी करने के बाद बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है इसमें। और अब देखिए, बिल्कुल इसे पलटी करने के बाद कुछ सेकंड तक ही सेकना होता है। और जैसे ही हम निकालेंगे ना पहले वाला, दूसरा डाल लेंगे। तुरंत तुरंत से ये काम करना है हमें। और इतने सारे जो हम बना रहे हैं केक ना, बहुत ही जल्दी बने, मतलब 2-2 मिनट में बिल्कुल ये रेडी हो जाते हैं। 1 मिनट कुछ सेकंड तक ही हमें एक साइड पकाना होता है ढक के, और दूसरे साइड में बिना ढके ही बस कुछ सेकंड तक ही पकाना, मतलब 2 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो चलिए, दूसरा भी हमने निकाल देना है। बस इसी तरह से बारी बारी करके हमें सारे पैनकेक जो है बना के रेडी कर लेना है। तो देखिए कितने आसानी से बिना कोई परेशानी आए ये केक बन के रेडी हो जाते हैं। और जब बच्चे आपको कहें ना, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे घर पे भी हैं, तो आपको जब भी बच्चे कहें केक वगैरह के लिए तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही फटाफट से बन जाते हैं। अगर हाँ आप चाहो तो बड़ा सा पूरे एक ही बना सकते हो, बड़े से केक पूरे, जैसे जो भी पैन है आपके पास पूरे में आप बना सकते हो बड़ी सी रोटी की तरह, तो आपको बार बार मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, ये देखिए कितना सॉफ्ट बना हो। तो सारे पैनकेक बनाने में हमें ज़्यादा ज़्यादा 10 से 12 मिनट ही लगे हुए हैं। अब देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है और बहुत ही बढ़िया बना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लगा रहे हैं थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर चॉकलेट को मैट कर लिया था, उसे लगा देना। आप चाहो तो इसमें व्हिप क्रीम वगैरह लगा सकते हो, या फिर मैंगो का सीजन है तो मैंगो भी इसमें लगा सकते हो, कोई भी फ्रूट लगा सकते हो इसके अंदर, और आप इसे इंजॉय कर सकते हो।
तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया डोरा केक बनके तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी रेसिपी और आज का डोरा केक कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया बन गया है। अब चलिए बच्चों को खिलाते हैं और एक कट करके दिखा देते हैं। तो आप देखिए, मैं मतलब इस तरह से मैंने एक था ना, तो मैंने इसमें लगा के और इसको क्या किया है, कट करके और इसे ज्वाइंट कर दिया। तो इसी तरह से रहेंगे। आप इसमें कोई भी आप बनाना लगा सकते हो और या फिर आम भी लगा सकते हो, आजकल तो आम का भी सीजन है। तो कुछ भी इसमें फ्रूट डाल सकते हो, कोई भी सीजन वाला। तो बढ़िया केक बनके तैयार है। बने रहने के लिए धन्यवाद।